हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पद्मिनी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर शरीर से कम हुआ कोलेजन तो जवानी में भी दिखने लगेंगे बुढ़ापा। तो अगर ऐसा है तो खाना शुरू कर दें ये चीज़ें, जो आपकी स्किन को ग्लो भी देगी और बालों को हेल्दी भी बनेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, कोलेजन शरीर में पाया जाने वाला एक ऐसा प्रोटीन है जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये शरीर को कई हिस्सों में पाई जाती है, जैसे कि फैट, जॉइंट्स और लिगामेंट्स। शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए कोलेजन बहुत ज़रूरी होती है। कोलेजन एक प्रोटीन है जो आपकी स्किन, हड्डियाँ और बालों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। 25 साल के बाद शरीर से कोलेजन घटने लगती है, इसलिए हर किसी को कोलेजन से भरपूर खाद्य पदार्थ डाइट में ज़रूर शामिल कर लेनी चाहिए। अगर आप जवान दिखना चाहते हैं तो कोलेजन को भरपूर इस्तेमाल करें। कोलेजन एक प्रोटीन है जो आजकल हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री में तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है, फेमस है, और ब्यूटी मार्केट में भी कोलेजन सप्लीमेंट्स का बोलबाला है। और कोलेजन शरीर में पाई जाने वाली एक प्रोटीन है जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये शरीर को कई हिस्सा, जैसे फैट वगैरह में पाए जाने वाला चीज़ है, जो कि कोलेजन हड्डियों को मजबूत बनाती है, त्वचा को सुंदर बनाती है और बालों को मुलायम बनाती है। मांसपेशियों को ताकतवर बनाने के काम भी करती है। और आजकल बाज़ारों में ढेर कोलेजन सप्लीमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ हम आपको जो नेचुरल प्रोसेस है कोलेजन का, उसकी बात करेंगे। वैसे कोलेजन ज़रूरी क्यों है? कोलेजन बॉडी को कई तरह से सपोर्ट करती है। शरीर में इसकी कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाते हैं। कोलेजन त्वचा की सेहत को बढ़ावा देती है और इसे पूरी तरह से मॉइस्चराइज रखने के साथ त्वचा को नेचुरली तरीके से ग्लो देती है। और कोलेजन स्किन टैनिंग में भी मदद करती है, जिससे समय से पहले त्वचा पर झुर्रियाँ नज़र नहीं आती। इतना ही नहीं, अगर आप सफिशियंट कोलेजन लेते हैं तो कोलेजन होने से त्वचा संबंधी सारी समस्याएं, प्रॉब्लम्स आपको कम परेशान करेगी। और इसके अलावा कोलेजन लंबे घने बालों के लिए भी कोलेजन बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन जब हमारे एज बढ़ते रहते हैं तो इसकी कमी का सबसे ज़्यादा जो असर है वो त्वचा पर दिखने लगती है। इसकी वजह से स्किन पर रिंकल्स और पिंपल्स की समस्या भी बढ़ने लगती है। आप खाद्य पदार्थ, यानी अगर फूड में सप्लीमेंट्स को के जरिए कोलेजन लेना चाहते हो, ले सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में। हालांकि कोलेजन सप्लीमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज पर लगातार रिसर्च की जा रही है, लेकिन ये साफ है कि कोलेजन आपकी डाइट का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कोलेजन जो फूड्स हैं वो अंडा है और मछली है, चिकन है, खट्टे फल है। तो कोलेजन आहार आप अपनाने के लिए विभिन्न तरीके हैं, जैसे कि अपने चिकित्सक की सलाह पर आप अपनी त्वचा और बालों के लिए कोलेजन सप्लीमेंट ले सकते हैं, या ज़्यादा कोलेजन युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन भी कर सकते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ खाने से जिनमें कोलेजन की मात्रा अधिक होती है, आपके शरीर को इसका अधिक ज़्यादा मिलेगी कोलेजन, और ऐसा होने से आपके स्किन, आपके बाल और आपका जो बॉडी है वो भी तंदुरुस्त हो जाएगी, एनर्जेटिक फील करेंगे आप। अगर आप कोलेजन के लिए अंडा ले रहे हैं तो अंडे का सफ़ेद भाग न केवल वजन घटाने के लिए अच्छा है, बल्कि यह कोलेजन हासिल करने के लिए भी काफ़ी अच्छी है। इसमें प्रोलाइन है, जो कि एक तरीके का अमीनो एसिड है, और यह कोलेजन प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी होती है। साथ में आप मछली ले सकते हैं। मछलियाँ कोलेजन की कमी को दूर करने के लिए काफ़ी अच्छी होती है, और आप सैल्मन, मैकरल और सर्डिन जैसी मछलियों को डाइट में ले सकते हैं, और चिकन ले सकते हैं। कई लोग चिकन के अलग अलग हिस्सों को खाना पसंद करते हैं, लेकिन चिकन में जो स्किन होती है चिकन की, उसमें और आटे जल में काफ़ी कोलेजन पाई जाती है। साथ ही आप खट्टे फल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि संतरा, नींबू, मौसमी और कीवी जैसे फलों में खूब विटामिन सी होती है। विटामिन सी बॉडी में कोलेजन को बूस्ट करती है और उसे प्रिजर्व भी करती है, जिससे कि शरीर को नेचुरल तरीके से कोलेजन प्रोड्यूस करने में मदद मिलती है। अगर आपके बॉडी में कोलेजन की मात्रा बढ़ेगी, प्रोड्यूस होगी कोलेजन, तो इससे आपका स्किन भी ग्लो करेगी, आप यूथफुल लुक देगी और आपका हेयर प्रॉब्लम भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और आप एकदम यंग
दिखेंगे, बुढ़ापा को ये स्लो डाउन कर देगी। सब रहते वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।